फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं पूरी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे आम आए हैं, तो आम के साथ पूरी अच्छी लगती है। तो इसके अमरस और पूरी का आज मेरा मेन्यू है। सो आई एम टेकिंग दिस सकस का वीट फ्लोर लिया है मैंने, मेकिंग पूरीज एंड एडिंग सम ऑयल इन टू इट। सो मैं ऐसे प्रपोर्शन अभी रैंडमली ले रही हूँ, ऐसे ज़्यादा सोच के नहीं। सो जस्ट एडिंग दिस जेमिनी ऑयल। एंड देन आई एम एडिंग सॉल्ट एंड वाटर। और पूरी के आटे को एकदम अच्छी तरह से यानी गूंदना है, क्योंकि पूरी का आटा जितना टाइट हो उतनी पूरी अच्छी बनती है। सो आई एम एडिंग नाउ सॉल्ट। आई एम एडिंग सॉल्ट नाउ दिस मच एंड थोड़ा सा वाटर, ज़्यादा एकदम से नहीं डालने का वाटर को, थोड़ा थोड़ा करके डालो ताकि एकदम लूज ना पड़ जाए आटा। थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो हमारे घर के पेड़ जो आम के मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था, तो उसके बहुत सारे आम कल गिर गए थे बारिश की वजह से। तो उसका मैं आमरस बनाने वाली हूँ और उसके साथ ये पूरियाँ तलने वाली हूँ। अभी ये बेल के रेडी हो गए हैं और अब मैं सब पूरियां पहले बेल के लेती हूँ। एक चार पांच पूरियां रेडी हो गए। देखिए, अब ये इतना टाइट बना है कि मुझे ये बेलने में तकलीफ हो रही है। नहीं, ऐसे आटा आपको गूंदना है। तो एक चार पांच पूरियों का रेडी करके फिर हम ऑयल में डालेंगे। ये शेप में मैंने पूरियाँ बनाई हैं और एक दो तीन बना लेते हैं। हमारी पांच पूरियां रेडी हो गई, तो मैं इसे तल लेती हूँ पहले। सो दिस आर रेडी एंड नाउ आवर ऑयल इज आल्सो रेडी, सो इट बिकम्स हॉट नाउ।
सो ये पूरी या गोल्डन ब्राउन होने तक हमें तलनी है, इससे पहले नहीं निकालनी, नहीं तो वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और अमरस निकाल लेती हूँ अभी मैं थोड़ा, एक 5 आम है मेरे पास, तो 5 आम का अभी निकालती हूँ। तो मेरी पूरियाँ अभी रेडी हो गई है एंड आई एम गोइंग टू हैव इट विद अमरस। सो इफ यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट, गिव इट अ थम्स अप। बाय बाय।